साल पहले भाई गुरदास जी ने गुरु अर्जन देव जी महाराज ने गणेश जी वजों व्यक्त किए सी कि गुरु धान्या ते जिहड़े गुरु नाल प्यार करन वाले गुरु के प्यारे सिख ने ओह भी धन ने। उन्हां प्यारिआं दी सदका ही अज असीं सिखी दी शान हेठ बैठे होए आ। बड़े माण नाल कह सकदे आ असीं शहीदां दे वारस आ, असीं उन्हां दे वारस आ जिन्हां ने तली दे सिर रख के ते लड़े आ, जिन्हां ने कोतरियां लवा दित्तियां, जिहड़े जड़कड़ियां ते जड़े अनेकां जड़कड़ियां ते चढ़ाए, बहुत वड्डा इतिहास है। पर अज दो ही सिंघां दी इतिहास की गल थोड़े समय विच रख सकीए। लाहौर के लागे एक पिंड है जंबलपुर, जंबलपुर पिंड के विच सरदार सुदेव सिंह बड़े पढ़े लिखे सियाने गुरु के सिख ने। लाहौर दरबार के विच जान है इतिहास में कई ने उन्होंने इदा भी लिखा लाहौर के विच कोतवाल, कोतवाल दरबार का अज का ऐसा जो जिहड़ा पाणिया उदों सरदार सुबेक सिंह दे कोल ये पदवी सी। उन्हां दा एक पुत है जिन्हां दा नां है सहबाज सिंह। सुबेक सिंह ते सहबाज सिंह दोवें प्यो पुत्रां नूं कट्ठियां शहीद कर दिता गया सी। और यह समां सी कोई पहलों जदों बाबा बंदा सिंह बहादुर जी दी शहीदी होई, पंथ खालसे दे उत्ते बहुत मुश्किलां आईयां। बाबा बंदा सिंह बहादुर दी शहीदी तो लैके सिख मिसलां तैयार होण तक भाव के 1710 तो लैके 12 तो लैके ते 1800 कुछ तक, फिर 100 साल ते बहुत घमसाण दा समां सी ना पंथ खालसे वास्ते। फिर पंथ नूं सिक्खी नूं बचाउण वास्ते जिहड़े साडी कौम दे जथेदार सी उहनां ने खालसे नूं दो हिस्सिआं विच वंडिआ वी सिक्खी बचणी चाहीदी। इहो ही निशाना हुंदा सी हर एक दा, सिक्खी बचनी चाहीदी आ। अपनी जान की कोई कीमत नहीं सी रखते, जे वह अपनिया जाना नू कीमती करते तो फिर पंथ ना बचता। जिन्हां जिन्हां ने भी अपनिया जाना नू कीमती कीता उन्हां दा इतिहास भी वखरा लिखिया गया, और जिन्हां ने जाना नू नहीं पंथ नू कीमती जाणिया उन्हां दा इतिहास लिख के पढ़ के तो लोग हाथ जोड़ के कहिंदे आ वाहिगुरु। सारी संगत जदों कहिंदे आ तिन्हां दी कमाई दा ध्यान धर के बोलो जी वाह। क्यों कहिंदे आ? क्योंकि उन्होंने जड़ियां घालणा घालियां ना, साडे कोल कथा करन दा टाइम रह गया ते ना साडे कोल कथा सुण दा टाइम रह गया। इह ते गुरु अर्जन देव जी महाराज की बड़ी दया है इस इलाके दे उत्ते। कथा हो भी रही आ, कथा सुन भी रहे ने सारे प्यार नाल, रोज़ सुणदे आ। गाहे बगाहे ढुकदा बचन कोई ना कोई शहीदां दा भी चलदा रहिंदा। कौम दे जथेदारां ने पंथ खालसे नूं दो हिस्सिआं विच वंडिआ और उहनां दा नां रख्या गया। एक दा नां रख्या बुढ़ा दल, दो दल बणाए। एक दा नां रख्या बुढ़ा दल, एक दा नां रख्या तरना दल। तरना दल जिहड़ा सी, तरन दा अर्थ हुंदा जवान। जिन्ने जवान मुंडे सी नौजवान सिंघ जिहड़े लड़न दे योग सी वह सारे हर वेले शस्त्रधारी हो के तो तैयार रहिंदे हुंदे सी। जिधरों सुना आया पे इधरले पासे मुगलां ने सिखां दे उत्ते कोई अत्याचार किया, वह रात नहीं सी वेंदे, दिन नहीं सी वेंदे, गर्मी नहीं सी वेंदे, ठंड नहीं सी वेंदे, ये नहीं सी वेंदे पे असी कुछ खाधा कि नहीं खाधा। उस वेले घोड़ियां ते काठियां पैंदियां सी, जाके तो उन्हां दा सोधा लाउंदे सी। जे बहुता जोर पैंदा सी ते भावें कई कई दिन महीनिया बद्धी सालों बाद भावें जंगलों दियां झाड़ियां विच वड़ के रहना पवे, पर वह अपना काम कर आउंदे सी जिहड़ा भी करना हुंदा सी। जिवें बीकानेर विचों आए सी सरदार सुखा सिंह महताब सिंह, जदों उस वेले पता लगा सी भी मसे रंगड़ ने दरबार साहब की बेहुरमती की आ, तो वह बीकानेर के जंगलों विचों आ के ते चौधरी मसे रंगड़ का सिर वढ़ के ते नाल ही लै गए सी। ये फिर दो दल बना दिते सी कौम दे आगुआं ने उस वेले। एक सी बुढ़ा दल, बुढ़े दल नूं आखिया तुसी घर रहो, घर रह के ते नाल जिहड़े छोटे बच्चे सी उहनां नूं लै के ते उह वाही ज्योति करदे सी। वाही ज्योति करके ते जो उहनां नूं बचदा सी ना उह सारी रस्त पाणी जंगलां दे विच उहनां सिंघां नूं पहुंचाउंदे सी जिहड़े कौम वास्ते रात दिन तैयार ने। एक हो गया तरना दल, एक हो गया बुढ़ा दल। बुढ़े दल की यह भी जिम्मेवारी ला दी भी तुसी प्रचार करो ते नाले पिंडां दे विच जाके ते अमृत संचार कराओ।
जेड़े जवान तरना दल सी वो जंगा वास्ते मोहरी हो गए। इनू इंज भी आख्या सिंघा ने, एक सी घर बारी सिख ते एक सी दरबारी सिख। घर बारी सिख वो जेड़े घर विच किरत विहार करदे सी एवें अपने खाण जोगा ते एक अद्धे सूट कपड़ा पाउण जोगा इन्ने क पैसे अपने को रखते सी, बाकी सारी पंथ नू भेटा कर देंदे सी भी सिख ही बच जाए, धर्म बच जाए, खा लवांगे कोई गल नहीं, जदों ज़्यादा होगा उदों खा लवांगे, अजे नहीं कोई भी गल। इस ढंग नाल चल रहा सी जदों मस्से रंगड़ दा सिर वढ के लै गए। जकरिया खान ने कोई थां छड्या नहीं जिथों लभ लभ के सिख मरवाए नहीं भी सुखा सिंह ते महताब सिंह कितों लभण, पर उह ते उहनां नू लभे ना ते सिखां ते बहुत कहर होया। निकी निकी गल ते जकरिया खान लभदा फिरदा सी भी जरा को गल लभदी आ। इथों तक हो गया सी कि सिखां दे सिरां दे मुल पै गए और उह लाहौर सम्मण बुरज किले दे सामने बहुत वड्डे मूसलां मूसलां जिहड़े ढेर लग जांदे हुंदे सी जदों सिखां नूं लाइन विच ला के वड्डिया जांदा सी। जिहड़ा भी को बंदा किसे सिख नूं जूड़े वाले नूं फड़ के लियांदा सी उहनूं मिलदे सी उत्थे 8 आने, किसे नूं मिलदे सी 16 आने। ते इथों तक भी हो गया लोकां ने साडे घरां दे विचों लड़कियां नूं फड़ फड़ के ना ते उहनां दे सिरां ते जूड़े करके पैसियां दे भुखियां ने उहनां दे सिरां ते जूड़े करके बंदियां वर्गे कपड़े पा के ते उहनां दा सिर वढ के उहनां दे अगे भेट कीता भी आ सिखां दे घरों जवान मुंडे फड़ के लियांदे आ जिन्हां नूं अजे दाड़ियां नहीं आईआं। इहो जिहा अत्याचार होया, वह सब कुछ झालिया उन्होंने ते तां साडे तक आ सिखी पहुंची आ। नहीं तो जिदा अज साडे मुंडे करदे आ ना निकी निकी गल पिछे, कोई गिची दे विचों दी वाला नूं चीर पवाउंदा, कोई कन्नां दे वाले पासों तां नूं, जे इदां दा उदों पंथ हुंदा ते सिखी कदों दी खत्म हो जांदी। अज इन्हां ने जिहड़ा नावां दे नाल नाल सिंघ ते लाया, किसे नूं हक ना मिलदा अपने नां नाल सिंघ लाउण नूं, कोई भी ना हक मिलदा। जिस वेले इदां जकरिया खान ने अत्याचार कीता ते लाहौर दे विच वो जंबरपुर पिंड दे लागे एक मदरसा है जिहड़ा स्कूल हुंदा, उदों मुगलां ने मदरसे बनाए सी ते काजी आया, उहने अपनी लड़की दा रिश्ता करना सी। काजी दा मतलब लाहौर सुप्रीम कोर्ट दा जज, जिवें अज सुप्रीम कोर्ट दा जज होवे उहदी किड्डी वड्डी पदवी है, ते अरबी बोली विच कहिंदे आ काजी। उन्हां दा लाहौर सुप्रीम कोर्ट दा जिहड़ा जज सी उह मदरसे विच आया भी मेरी लड़की बड़ी सुंदर आ, जवान आ, मैं पाठशाला दे विचों को सोहना सुनखा मुंडा लभणा, उह किहड़ा वा, ते जे उह गरीब घर दा वी होऊगा ना, जे मुंडा मैनूं फब गया ते मैं सुप्रीम कोर्ट दा जज वां, एडा वड्डा काजी आ, मैं किसे वी वड्डी पदवी ते उहनूं नौकरी ते दवा देवांगा, आपणे बराबर कर लवांगा। उह लभदा लभदा आया जदों मदरसे ते बच्चे मुसलमानां दे वी बैठे होए सी, बच्चे सिखां दे भी बैठे हुए सी, पर उन्हां दे विचों एक बच्चे दे चेहरे दे उत्ते इन्ना नूर सी जिहड़ा गुरु नानक देव जी महाराज बाणी विच भी आख्या, नूर कदी कपड़िया नाल नहीं आउंदा, नूर कदी साबण परफ्यूम लाउण नाल क्रीमां नाल नाल नूर नहीं आउंदा। वह जिहड़ा नूर आ जिहड़ा गुरु साहिब सच्चे पातशाह जी कहिंदे ने, होवै सिफत खसम दी नूर अरसों कुरसों झटिया तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया। आ मैल लथ दी असी साबण मल मल के लाउंदे रहिंदे आ, मुड़ के फिर असी मैले हो जाने, फिर लाउंदे रहिंदे फिर साही मैले हो जाने, पर एक नूर इदां दा दरगाह विचों उतरदा वह किसे विरले भागां वाले नूं, किन्हां ते जिन्हां नूं गुरु तेग बहादुर जी महाराज कहिंदे ने, गुर किरपा जिह नर कौ कीनी तेह एह जुगत पछानी, नानक लीन भयो गोबिंद स्यों ज्यो पानी संग पानी। जिन्हां ते गुरु कृपा करे वह सवेरे उठण ते उहनां दे मूंह विचों निकले, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु।
गरीब नवाज गुरु अमरदास जी ते इंज कहिंदे आ हर एक बंदा कोई भी जिहड़ा साजिया गया दुनिया ते भावें वह इस्त्री शरीर आ भावें कोई मर्द का शरीर आ हर एक शरीर ये गल सोचता भी सवेरे जदों मैं घरों निकलां उदों मैं सारियां तो ज़्यादा सोहना दिसां ते मैं जिथे जावां मेरी बण फब मेरा इदां दा होवे हिसाब दा भी लोकी मेरा सत्कार करन हर कोई बंदा चाहुंदा मेरा अदब होवे जिथे बवां ते मैं सोहना सारियां तो दिसां क्योंकि जदों कोई घरों निकलता घट कोई भी नहीं अपने आप विच हुंदा सारे आपो अपने थान चंगे ने जो जो परमात्मा ने बनाया सब चंगे ने ते कुछ सारियां दी इह हुंदी आ पर गुरु अमरदास जी कहिंदे ने रंगा वाल ना पवी भी केड़ा गोरा वा ते केड़ा काला वा ते केड़ा विचले मिलदा इन्हां रंगा दे करके सुंदरता ही नहीं हुंदी मारे कहिंदे ने सुंदरता ही असीं दसने आ जिहड़ा साडा बचन मन्नेगा उह एडा सोहणा होऊगा भी सारे समाज विच उहदे वर्गा दूजा नहीं को होवेगा उह जिहड़ा को काम करके घरों निकले महाराज गुरु अमरदास जी कहिंदे ने साडे दसे मुताबक जिहड़ा को इह काम करके घरों निकलेगा सारियां तो सोहना भी होवेगा ते जिथे भी जाएगा उहदा सत्कार भी होवेगा उह काम किहड़ा है गुरु अमरदास जी कहिंदे ने वाह वाह करें से ही जन सोने तिन कौ प्रजा पूजन आई मारे कहिंदे ने सवेरे उठ ते गुरमंत्र जो तेनूं सतगुरां दे घरां वल्लों पंज प्यारियां वल्लों मिलिया होया उस गुरमंत्र दा जप कर थोड़ा गुरमंत्र दा जप कर फिर पंज बाणियां दा नितनेम करके अरदास करके गुरु नूं फतेह बुला के घरों बाहर निकल पढ़ी हुई बाणी दा दर्शन तेरे मत्थे दे उत्ते होवेगा मारे कहिंदे ने उस नूर दे सदका तू सारियां तो ज़्यादा सोहना होवेगा ते जे गुरु नूं फतेह बुला के चलिया ते तेरी सारे संसार विच फतेह ही होवेगी होर नहीं किसे पासे ढिलनी करना की आ सवेरे उठना इशनान करना है और अपनी रसना तो जप वाहे गुरु 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 महाराज जी आख्या बाणी पढ़न वाले सोहने ने नाम जपण वाले सोहने ने फिर इदां आख्या जिन्हां नूं पढ़नी नहीं आउंदी सदके जाइए उन्हां ते जिहड़े संगत विच आके बह के सुन लैंदे ने मारे कहिंदे इह वी बड़े सोहने ने बाणी च लिखिया होया सेई सुंदर सोहने गुरु नानक दे घर विच सब तो सोहना कौन आ किहड़ा सुंदर आ सेई सुंदर सोहने साध संग जिहे बहणे जिन्हां नूं साध संगत विच बहना आ गया गुरु अमरदास जी कहिंदे उन्हां वर्गा सोहना दुनिया ते कोई नहीं उन्हां वर्गा सुंदर दुनिया ते कोई नहीं इदां दा ओह बच्चा सी भाई सुबेक सिंह दा पुत पाठशाला विच पढ़दा है जिहदा बाप भी बाणी पढ़दा जिहदा बच्चा भी बाणी पढ़दा है सवेरे इशनान करके गुरद्वारे वाहिगुरु उत्थे पाठशाला विच आउंदा है और पाठशाला विच बैठिआं बैठिआं काजी आ गया फेरा मारन वास्ते काजी ने यह गल वेख के आख्या बच्चे तो मुसलमाना दे भी हैगे आ पर आ जिहड़े मुंडे दे उत्ते नूर वा इहदे वर्गा नूर नहीं होर किसे ते पर की करिए मुंडा सरदारां दा वा हुण काजी गया वा ते जिहड़े मौलवी मुल्ला लोग सी उह वी उठ के खड़े हो गए सारे उठ के खड़े हो गए बच्चे भी क्योंकि जज पहुँच गया वा उत्थे खलो ते गए ने ते काजी हुण सोचदा पी इहदा की करां मेरा दिल करदा अपनी लड़की दा रिश्ता इसे मुंडे नूं करां ये मुंडा मुसलमान नहीं गा मन विच आया मुसलमान नहीं तो फिर की है केड़ी चीज़ आ जिहड़ी दुनिया ते विकदी नहीं हर चीज़ विक जाती है इस मुंडे नूं लालच दिंदे आ भी पढ़ाई भी छड तैनूं सब तो वड्डी पदवी ते मेरे दस्तखत होने आ बस ते तैनूं किसे वड्डी सरकारी पदवी ते बिठा दिंदे आ नाल ही मेरी लड़की दा रिश्ता लै ला ते मेरा जवाई बन के ते इत्थे मौजां कर जद उहने पुछिआ लागे जा के पुत तेरा नां की आ उन्हें आख्या जी सहबाज सिंह तेरा बाप की करता की नाम आख्या जी उन्हों का नाम सरदार सुबेक सिंह वह भी लाहौर में ही नौकरी करते हैं केड़ा पिंड है तेरा कहिंदा जी नाल ही जंबरपुर आख्या ठीक है अपने प्यो नूं लै के कल नूं आवीं इत्थे पाठशाला में रात नंगी अगला दिन चढ़िया काजी फिर आ गया उत्थे पाठशाला दे विच
सरदार सुबेक सिंह भी आ गए उत्थे खलोते हुए ने ते काजी दा आया जदो उठ के सारे सत्कार वजो खलो के ते काजी ने आख्या सुबेक सिंह जी तुहाडे बड़े भाग चंगे ने तुहाडे भाग चंगे ने भी आ मुंडा सानू पसंद आ गया है साडे घर दा जवाई बनेगा। सुबेक सिंह ने आख्या कोई गल नहीं जी जे कुदरत ने इदां लिखिया होया ते इदां ही हो जाएगा पर यह गल दस दिओ वी जदों तुहाडी लड़की साडी नौ बन के आएगी वह खंडे बाटे का अमृत छक लेगी। आ सी गुरसिखी की पहली पौड़ी पर कौन यह सवाल करेगा जिन्हां ने आप छकिया होगा जिन्हां ने आप माइयां ने सत्तर साल की उम्र हो गई है ते अजे तक कन्नां दे विच कांटे लमकाए होण उन्हां ने जां नक्कां च कोके पाए होण ते होर तरह का अपना वेसभूस बना के जिहड़े दुनिया नूं सोहणे लगण वाला जिहड़ा वेसभूस बनाया वह कित्थों पुछणगे भी साडी नौ अमृत छकूगी वह नहीं पुछणगे पुछूगा वह जिहड़े आप रैत रखदे आ दूजे नूं पुछणगे। उन्हां कहा धीआं इक्को जीआं ने सारिआं दीआं साडी धी की तुहाडी धी की कोई गल नहीं जे कुदरत ने इदां लिखिआ ते कोई नहीं पर काजी साहिब इह दसो तुहाडी लड़की खंडे बाटे की पौल छक लेगी पहलों छकेगी कि विआह तो बाद वे छकेगी। काजी गुस्से में आण के कहिंदा ओए मूर्खा साडी लड़की क्यों अमृत छकूगी तेरे पुत की सुनत करा के ते इहनूं मुसलमान बना लांगे। उन्हें कहा नहीं ये गल नहीं बननी मेरे पुत नूं मुसलमान किदां बना लोगे तुसीं मैं मुसलमान धर्म बारे माड़ा नहीं बोलता क्योंकि धर्म इक्को जिही ने। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज कहिंदे ने कोई राम राम कह रहा कोई अल्लाह अल्लाह कह रहा वाहेगुरु कह रहा सारे चंगे ने पर बदोबदी किसी को वाहेगुरु भी नहीं कहाना चाहिए बदोबदी किसी को राम राम भी नहीं कहाना चाहिए तो बदोबदी किले को अल्लाहू भी नहीं कहाना चाहिए। जबरदस्ती नहीं जिदा साडे देश विच कर रहे ने भूतरे हुए बंदर लोग वो किसी राही जाते लम्मिया पा लेंदे ने पांच सत मुंडे उन्होंने डांगा फेरते तो कहिंदे बोल भारत माता की जय बोल जय श्री रामचंद्र जी। चलो जे वह बोल दूगा वो बोलन नाल श्री रामचंद्र जी वड्डे नहीं हो चले तो जो ना बोलूगा तो वो ना बोलन नाल रामचंद्र जी निके नहीं हो चले पर कौन समझावे इन्हां नूं जिदा वह औरंगजेब उदों करदा सी हुण इदां दा काम कर लग पिया उदों उन्हां नूं भी सुख नहीं सी बणिया सुख इन्हां नूं भी नहीं बनेगा। धक्के नाल किसे दे उत्ते कोई कानून थोपिया नहीं जा सकता। जदों फिर उत्थे इह गल हो गई उन्हें कहा तेरे मुंडे नूं मुसलमान बनावांगे। सरदार सुबेक सिंह ने आख्या इन्हें तो नहीं जे मुसलमान बनना क्योंकि असी अपने धर्म विच चंगे हाँ तुसी अपने धर्म विच चंगे जे सुभाष सिंह तो वधिया मुंडे भी दुनिया च हैगे आ तुसी ओह वेख लो को अपने धर्म का इहनू छड्ड दिओ तुसी। काजी ने आख्या मेरा हुक्म अदूली कीती आ छड्डणा ते दूर की गल रिश्ता छड्डण दी ते छड्डो हुण इह भी वेखो भी तुसी प्यो पुत जींदे भी रहिंदे हो कि नहीं। उन्हें उत्थे ही लिख दिता मदरसे विच ही उन्हें सिपाही मंगा ले फौज तो नाल नाल ही सी उन्हें कहना दो प्यो पुत्रां फड़ के अंदर दिओ वह घरों बेचारा मिलन आया सी भी मदरसे च सद्या गया पता नहीं की गल आ नूं फड़ के कैद कर दिता ते पंजाब लाहौर का उस वेले गवर्नर सी जकरिया खान नूं काजी ने जाके आख्या कि इन्हां नाल मैं कोई गल कर लगा सी इन्हां ने इस्लाम धर्म बारे बहुत माड़ा बोलिया ये दर्ज रिपोर्ट भी इन्होंने इस्लाम धर्म की नरादरी की है उस वेले उन्होंने उत्ते परचा दर्ज हो गया साडे धर्म के विरुद्ध बोलन की दोवां नूं जकरिया खान ने फड़ के अंदर दे दिता। इन्हां दिनां दे विच ये गल हो गई सी भाई तारू सिंह जी नूं पूले पिंड वालियां नूं जकरिया खान ने फड़ के मंगवाया ते उह तुसीं सारी कथा जाणदे हो कि जदों भाई जकरिया भाई तारू सिंह जी ने यह गल आखी सी कि तू मेरे केस जुत्तियां मार मार के की उड़ाने जे मेरे कलगिया वाले पातशाह प्रवान होया जुत्ती होगी गुरु के सिख दी ते सिर होगा तेरा ते तेनू जुत्ती दे अगे ला के खड़ूंगा। इदां ही होया सी भाई तारू सिंह की खोपरी ते लथ गई। उन्हां दिनां विच सबाज सिंह ते सुबेग सिंह जेल विच सी दोवें प्यो पुत खोपरी लथ गई ते जकरिया खान नूं बन्न पै गया किदां जुत्तियां मार मार के उहदा बन्न तोड़दे सी ते जुत्तियां खांदा खांदा ही जकरिया खान पहलों मर गया। सुबेक सिंह ने फिर जेल विचों आण के थोड़ी छुट्टी लैके ते भाई तारू सिंह जी नूं आखिया सी हुण तुसीं शरीर छड्ड दिओ जिहड़ा तुहाडा प्राण सी उह प्राण पूरा हो गया। फिर भाई तारू सिंह जी भी शहीदी पा गए।
ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਜਹੀਆ ਖਾਨ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਹੀਆ ਖਾਨ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਤਾ, ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਦੋ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਲਿਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ। ਦੋਵਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਜਹੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਮਾਰ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆਖੋ ਭਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦਾੜੀ ਕਟਾ ਲਓ ਅਤੇ ਮੁੱਛਾਂ ਕਟਾ ਲਓ ਅਤੇ ਸੁਨਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮੌਜਾਂ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਸੁਬੇਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਹੀਆ ਖਾਨ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਸਿਪਾਹੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਅੰਗ ਵਾਂ ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਗ ਕੱਟ ਕੇ ਜੁਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਤੜਫਦਾ, ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਨੇ, ਕੇਸ ਕੱਟਣੇ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਰੂੰਗਾ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਉੱਠੋਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਹਨੂੰ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਇਆ, ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਓਗੇ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੀ ਆ, ਚੱਲ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵੇਖ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਿਓਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇੱਥੇ ਚਰਖੜੀਆਂ ਲਿਆਓ। ਚਰਖੜੀ ਕੀ ਸੀ? ਚਰਖੇ ਤੋਂ ਨਾਮ ਬਣਿਆ ਚਰਖੜੀ, ਚਰਖੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖੇ ਆ, ਉਹ ਲੱਕੜ ਦੀ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਚਰਖੜੀ। ਅਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਚਰਖੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਰੀ ਆ ਨਾ, ਆਰਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਦੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਛੋਟੇ, ਉਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਂਗਲ ਉਂਗਲ ਜਿੱਡੇ ਲੰਮੇ ਦੰਦੇ ਛੁਰੀਆਂ ਵਾਂਗ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੱਠੇ ਕੁੱਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਛੁਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਂਗਲ ਉਂਗਲ ਲੰਮੇ ਦੰਦੇ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਰੀ ਚਰਖੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਕ ਚਰਖੜੀ ਖਾਲੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵਾਰ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟੇਢੇ ਦੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਨਾੜਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਅਤੇ ਬੋਟੀਆਂ ਤਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਚਰਖੜੀਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਚਰਖੜੀ 'ਤੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਚਰਖੜੀ 'ਤੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸੁਬੇਗ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਜੇ ਦਾੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ। ਦੋਵਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਜਹੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਦੋ ਕੁ ਗੇੜੇ ਲਵਾਓ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਕੁ ਗੇੜੇ ਲਵਾਏ ਅਤੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ, ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ, ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਸੁਬੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਉੱਡੀਆਂ ਮਾਸ ਦੀਆਂ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਵੀ ਉੱਡੀਆਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਹੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਰੁਕੋ, ਰੁਕ ਗਏ। ਆਖਿਆ ਉਹ ਸੁਬੇਕ ਸਿੰਘ, ਦੋਵਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਕੇ ਅਤੇ ਦੇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਾਂ ਆਪ ਵੀ ਬਚ ਜਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਬਚਾ ਲਾ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਵਾ ਇਹ ਮਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਹਿਣਾ। ਸੁਬੇਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਵਾਬ ਡਾਕਟਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੰਗੂ ਨੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ। ਸੁਬੇਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹਮਰੈ ਕਾਰਨ ਗੁਰ ਕੁੱਲ ਗਵਾਈ, ਤੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾ ਲਾਂ? ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਾਰ ਪੁੱਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ, ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸ ਦਸ ਬਾਰਾਂ ਬਾਰਾਂ ਪੁੱਤ ਸੀ, ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਭ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਆ ਭਾਵੇਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਕੌਣ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ? ਸੁਣ ਜਹੀਆ ਖਾਨ, ਹਮਰਾ ਕਾਰਨ ਗੁਰ ਕੁੱਲ ਗਵਾਈ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈ, ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਚਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ। ਹਮ ਕੁੱਲ ਰਾਖੇ ਕਮਨ ਵਡਾਈ, ਅੱਜ ਜੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਕੇਸ ਕਟਾ ਲਈਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣੇ ਬਚਾ ਲਈਏ, ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਹੋਊਗੀ? ਜੋ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ ਚਾਹਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਿ ਬਚਗਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਚਾਰ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਕਰਤੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ?
कि जे मेरे चार निके निके बच्चे तू मार दते ने को के ते फिर की होया जे मेरे पुत मर गया के बाकी बेमाद पेचीदा मार के बाकी पिंडां विच मेरे पुत बैठे होया शहरां विच मेरे पुत बैठे होया केड़े बैठे होया कुंडलिया सप खालसा बैठा होया पेचीदा मार मार दा अर्थ हुंदा सप पेचीदा पाव हुंदा कि कुंडली सप ओ एदां दा पंथ खालसा पिंडां दे पिंड मेरे पुत्रां नाल भरे होया शहरां दे शहर मेरे पुत्रां नाल भरे होया और गुरु गोबिंद सिंह ने आख्या जे तू परखना ना भई गुरु गोबिंद सिंह दे पुत जींदे आ कि मर गए आ किते पंजाब वल नूं फेरा पा तेरे पैरां थले अग ना विछा दित्ती ते गुरु गोबिंद सिंह दा खालसा ना आखी। सतगुरां ने इहो लिखत गुरु गोबिंद सिंह दी पढ़ के जदों सुबेग सिंह ने सुनाई जिहड़े गुरु ने साडे वास्ते इदां कर दिता अज जरक को गल आई आ ते असी केस कटा लईए। पर मैं कहिंदा इह जरक गल नहीं सी बिलकुल जरक गल नहीं सी असीं ते इक पल लगदा डोलन लग्गियां थोड़े दिन हो गए असीं किते गए सी मैं गड्डी ते सी परिवार नाल बेटा मेरा पिछों आना सी मोटरसाइकिल ते ते मैं इहो ही अरदासां करी आवां भी न्याणे मोटरसाइकिल बड़ा भजाउंदे आ महाराज मेहर करिओ दया करिओ क्योंकि न्याणे झटपट कदी स्पीड किन्नी कर दिंदे आ कदी किन्नी जिन्ना चिर वह भी पिंड नहीं ना आ गया मैं रह रास दा पाठ भी कीता ते अरदास फिर उहदी कीती जे उदां को गड्डी च को गल कीती ते फिर अरदास उहदी करां भाव के असी इन्ने क जोगे हाँ पल पल विच साडा ध्यान अपने न्याणियां वल ही जांदा सारियां दा जांदा इह गल को निकी जी नहीं सी पुत नूं भी चड़खड़ी ते चढ़ाया ते प्यो नूं भी चढ़ाया पुत दियां भी बोटियां उड्डियां मास दियां प्यो दियां भी उड्डियां सब कुछ वेख के उहने आख्या हमरै कारण गुर कुल गवाई हम कुल राखे कमन वडाई साडे बाप ने साडे गुरु ने अपना बच्चा नहीं को बचाया अज असी आ शहीदी हुंदी वेख के ते अपने बच्चे बचा लीए नहीं तू अपना काम कर असी अपना लगे हाँ काम करन दों सुबेग सिंह ने अपने पुत नूं आख्या ओए सुभाष सिंह आवाज दित्ती हाँ जी पिता जी आख्या जिन्ना चिर सवास निकल नहीं जाते जिन्ना चिर जबान चड़खड़ी दे नाल अड़ के मूँह विचों खिच के बाहर नहीं ना निकल जाती उन्ना चिर हुण जपी चल वाहे गुरु 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 वो जपते रहे चड़खड़ियां घूमदियां रहियां थोड़ा थोड़ा करके शरीर हवा विच उड़ गया दूर दूर तक इदां खिलर गए जिदां तूड़ी वाली मशीन दे नाल तूड़ी खिलर जांदी है ना वो हसदे खेड़दे प्यो पुत थोड़े पलां दे विच विच ही बोटी बोटी करके खिलर गए जदों सवास निकल लगे तो वह आवाज़ जिहड़ी सी वह मध्यम पै गई वह आवाज़ तां मध्यम पै गई शरीर दे उत्तों मास उड़ गया जेडे मर्द शरीर का पिंजर हुंदा ना हड्डियां का वह चड़खड़ियां दे उत्ते बज्जा रह गया ते उन्हां दा मास उड्डिया शरीर तो सवास निकले वाहिगुरु जपदे जपदे जो सचखंड वल नूं तुरे ते इतिहासकार कहिंदे ने इंज प्रतीत होया जिवें कलगीधर दी दरगाह विचों इह आवाज आई होवे जिथों असी आरंभ कीता सी भई ओड़क निभही प्रीत सेवक की ओड़क निभही प्रीत ओड़क निभही प्रीत सेवक की ओड़क निभही प्रीत ओड़क निभही ओड़क निभही जीवत साहिब सेवे ओ अपना जीवत साहिब सेवे ओ अपना चलते राख्यो चीत सेवक की ओड़क निभही प्रीत ओड़क निभही प्रीत सेवक की ओड़क निभही प्रीत ओड़क निभही
हार गया जहैया खान, मुगलिया सरकार उस वेले लाहौर विच हार गई, ते जित गए गुरु गोबिंद सिंह दे उपत सरदार सुबेग सिंह ते सहबाज सिंह। जदों उन्हां नूं शर्मिंदिया होया चड़खड़ियां ते बज्जिया पिंजर उन्हां दा प्यार रहण दिता, घर नूं गया। उहदी बेगम ने पुछया, डर गया होना सुबेग सिंह जांदे आई? ते शर्म दा मारिया मूँह चो बोलिया ना, चुप करके बेगमां दे लागो गांह ना गया। उन्हां सिपाहियां नूं पुछया, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਣਿਆ, ਤੂੰਬਾ ਤੂੰਬਾ ਕਰਕੇ ਉੱਡ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਦਾੜੀ ਕਟਾਉਣੀ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਰੋਮ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਪਿੰਜਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੜਖੜੀ ਤੇ ਬੱਜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਜੇ ਅੱਜ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੂੰਹ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਕੱਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਠਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੇ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਧੀ ਦਾ ਬਾਪ ਵਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਲੋਕੀ, ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਗੁੱਸਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕੀ ਢੀਠ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰੂਗਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਇਹੋ ਇਹੋ ਜੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਸੀ, ਔਰ ਉੱਧਰੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਸਾਡੀ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੁੰਡੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਜੇ ਕੋ ਆਖੀਏ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਇਹੋ ਇਹੋ ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਸੂਟ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਸੂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਲਾਹ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਇਕੱਲੇ ਸੂਟ ਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਚੱਪਾ ਚੱਪਾ ਰੁਮਾਲ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਆਈਆਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਿਓ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਨਾ ਮਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ। ਹੁਣ ਉਹ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੋਂ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਚੌਂਕੇ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਈਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਿਆ ਵਾ ਅਤੇ ਲਾਗੇ ਬਾਪ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਤਾ। ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮੰਗੀਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਲਾਗੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਡਰ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਾਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਹੀ ਲਾਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਾਡਿਆਂ ਮੁੰਡਾ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪੱਗਾਂ ਹੀ ਲਾਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਨਾ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੂੜੇ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ? ਕੋਈ ਬੋਟੀ ਬੋਟੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਕਰਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਬੋਟੀ ਬੋਟੀ ਕਰਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਸੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਖੋਪਰੀ ਲਵਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ। ਦਿਨ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੇ, ਤਿਉਹਾਰ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਆਹੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਲਮ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਆਹੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਖੂਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਲਮਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਰੰਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੜਖੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੀਂਦਿਆਂ ਜੰਡਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ ਬੰਨ ਕੇ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਲਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕਲਮਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਗੁੱਸਾ ਵਾਲ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਵਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਜੂੜਾ ਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨੂੰ 100 ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਾਂ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੋਟੋ ਅੱਗੇ ਖਲੋਊਗੀ? ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਂਸ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਗਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਤਾ ਭਾਗੋ ਦੀ ਫੋਟੋ ਅੱਗੇ ਖਲੋਣਗੀਆਂ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹਵਾਈ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨੇਗਾ ਉਹ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤ ਵਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਚਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ, ਮਰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਊਗਾ, ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹਨੇ ਹਾਥੀ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦਾ ਕਲੰਕ ਕਦੀ ਧੋਪ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੜਾ ਦਇਆਵਾਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦਇਆਵਾਨ ਆ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਖੋਟਿਓਂ ਖਰੇ ਕਰੇ ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰ। ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੋਟ ਵਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਊਣਤਾਈ ਆ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਤਰਲਾ ਕਰੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਤ ਦਿਓ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਕਮਾ ਸਕੀਏ, ਅਤੇ ਬਸ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਉੱਦਣ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਲਓਗੇ ਦਾੜੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡੇ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ,
एक मुंडा एहो मेरे खेड़े पिया रहिंदा हुंदा सी, तू दाढ़ी रखी हुई आ, दाढ़ी नाल उन्नी परसनैलिटी नहीं बनती। उन्हें रोज कॉलेज आके तो एहो गल ही कहनी, परसनैलिटी नहीं बनती। हुण उहनूं वी उहदे माता पिता नूं उहदी घर दी नूं वी कहनी पई, ये मेरी सिफत नहीं, मैं गुरु के केसां दी गल कर रहा। उन्हां सारिआं नूं कहनी पई भई जसविंदर सिंह जिन्नी तेरी परसनैलिटी है उन्नी साडे मुंडिआं दी नहीं। वो कादे नाल वा आ गुरु का दिता होया दाड़ा, गुरु अर्जन देव जी दे घर दी बद्धी होई आ पग ते बाणा पाया होया, दुनिया के कुल गहने एक पासे ते कलगी धर दी दित्ती होई कृपाण ते कड़ा एक पासे। रीस नहीं को कर सकता। मैं अपने वीरां नूं आखां बस करो, हुण बड़े केस कटा ले आ इत्थे, हुण 12 तरीक नूं अमृत संचार होना। मेरियां भैणां वी मेरे वीर बजुर्ग जिन्होंने अजे तक अमृत नहीं छकिया, तुसी इन्नी शरदा नाल आण के सेवा करदे हो, इन्नी कथा कीर्तन सुणदे हो, ते बहुत ज्यादा ने अमृत छक लिया, एवें किते किते रह गया। बस करो की लैणा जे दुनिया विचों, जे बाणा पा के इत्थे बापू दे अगे खलो के अरदास करोगे ते दावे नाल जो मर्जी ले लोगे, क्योंकि न्याणा जिद पै के भी अपने प्यो कोलों मंग लैंदा, जे प्यो अदा ना दवे जिहड़ा बच्चा बहुती जिद करे फिर उन्हूं देना ही पैंदा, पे ते ढीठ ही हो गया। कदी बगानियां नूं वी इदां दिंदे आ लोकी, बगाना बहुता जिद करे बाहों फड़ के कढ के ते बूहा मार लैंदे लोकी। गुरु के धीआं पुत बण के इत्थे खलो के फिर जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवै। पहलों अमृत पहलों नगर कीर्तन विच हाजरी भरीए सारे जाने, 10 अप्रैल दिन ऐतवार नूं इसे स्थान तो ਐਰਕਾਂ ਸਵਾਹਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈ ਆ ਵੀ 8:30 ਤੋਂ 9:15 ਤੱਕ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੁਰ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਉਹੋ ਹੀ ਆ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਈਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਿਆਓ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਦਣ ਖਾਲਸਾਈ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਆਓ, ਐਵੇਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਆਓ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਪਾ ਕੇ ਆਓ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਮਾਤਾਵਾਂ ਵੀਰ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਓ, ਖਾਲਸਾਈ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾ ਕੇ ਆਓ। ਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੰਦ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਹਰ ਜਸ। ਫਿਰ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਉਪਰੰਤ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਵਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸੋਹਣੀ ਪੱਗ ਜਿਹੜਾ ਬੰਨਦਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰੋਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਪੱਗਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਕਥਾ ਕਰੀਦੀ ਆ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਦਾ, ਬੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਵੀਰ ਅੰਦਰੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦਾ ਮਨ ਬਣਾਉਣ। 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕੋ, 13 ਤਰੀਕ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖਾਲੀ, ਅਤੇ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਆ, ਉਦਣ ਫਿਰ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3:30-3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੀਵਾਨ ਸੱਜਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲਓ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਆਓ, ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਓ। ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਉੱਦਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਦੁਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਚਨ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਲਿਓ। ਗਲਤੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।